नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे गोकलपुर गांव में, और वहां की हम आपको एक कहानी दिखाएंगे कि जब लोग सीएम विंडो पे शिकायत करते हैं तो उन शिकायतों का कैसे निवारण होता है, क्योंकि लगातार जो लोग छोटी छोटी समस्याओं से परेशान होते हैं वो सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी शिकायतें लगाते हैं। पहले जिला प्रशासन के पास लगाते हैं, अधिकारियों के पास लगाते हैं, लेकिन अगर जब सुनवाई नहीं होती है तो वो सीएम विंडो पर प्रधानमंत्री के पास शिकायत करते हैं। लेकिन जिस मकसद से सीएम विंडो बनाया गया था कि वहां आम आदमी की समस्या का निवारण होगा, वो समस्याओं का निवारण कैसा होता है आज हम गोकलपुर के लोगों की जुबानी सुनेंगे। मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे पास गोकलपुर से ही हितेश जी बैठे हैं हमारे कैमरे पर, साथ के अंदर हरकेश जी हैं और नवीन जी हैं। इन तीनों ने लगातार कई शिकायतें लगाई हैं गोकलपुर गांव में, जो पानी भरता है गंदा पानी, क्योंकि वहां जो तालाब है वो तालाब में गंदा पानी भरा हुआ ओवरफ्लो होकर के वो सारा पानी रोड पर आ जाता है, और इस समस्या को लेकर के हमें शर्म आती है बताते हुए कि ये लोग 2017 से न जाने कितनी बार शिकायत लगा चुके हैं, और आज इनको लगा कहीं ना कहीं ये चीजें मीडिया में आनी चाहिए, तो एचआर न्यूज को इन्होंने चुना है। हितेश जी लगातार हमसे संपर्क में थे। मोहनलाल जी, जब तक आप एक बार एचआर न्यूज पे इस खबर को नहीं दिखाएंगे तब तक शायद हमारी समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि गांव गांव तक कहीं ना कहीं मैसेज है। जब एचआर न्यूज किसी खबर को दिखाता है तो कहीं ना कहीं जो सोए हुए अधिकारी है उनकी नींद खुलती है। ये तीनों लोग हमारे साथ है, साथ में हम फुटेज भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं हितेश जी आप ही के पास आता हूँ। आखिर जी ये बताइए, ये समस्या है क्या जिसको लेकर के आप लोग इतने परेशान हैं? आपने सीएम विंडो पे शिकायत की, प्रधानमंत्री को आपने पत्र लिखा, ऐसी क्या इतनी परेशानी है जिसको लेकर के आप 2017 से लगे हुए हैं और सीएम विंडो पे शिकायत की, उसका क्या हासिल हुआ? आप ही की जुबानी एक बार जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। सबसे पहले मोहनलाल जी, मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे सुनने के लिए कि उन्होंने हमारे चैनल के आपके माध्यम से हम अपनी खबर उन तक पहुंचा सके। समस्या ये है कि गांव का जो झोड़ है, गांव के बीचों बीच है, उसका गंदा पानी ओवर फ्लो हो चुका है और वो गांव की नालियों के थ्रू गांव के मेन रास्ते पे भर चुका है, जिसकी शिकायत मैं खुद पर्सनली 3 बार और पर्सनली मेरे साथी नवीन कुमार जो लाइन पे जुड़े उनके माध्यम से अब तक 7 बार शिकायत कर चुका हूं। लेकिन हर बार सीएम विंडो पे क्या होता है, कभी कुछ ना कुछ पंचायत के पास आती है तो पंचायत फंड का बहाना बनाकर, कभी कुछ बहाना बनाकर कि जोड़ का तालाब में पानी नहीं है या कुछ भी झूठ बोलकर हमेशा शिकायत को बंद कर दिया जाता है। मतलब समाधान के नाम पे शून्य है सरकार से। जहां एक तरफ सौंदर्यकरण की बात करती है जोड़ के, वहां यहाँ इस जोड़ की तरफ कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ बीमारियों को इन्विटेशन दिया जा रहा है कि बीमारियां फैले, गांव में दुष्प्रभाव हो, इसके वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, लेकिन समाधान शून्य है। आप मौके पर आकर देखिए, जिला प्रशासन पहले भी आ चुका है मौके पर, लेकिन समाधान सिर्फ शून्य ही हुआ है, यानी कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब भी तो मैंने आप सवाल 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 ये उठता है, आपने सीएम विंडो में जो शिकायत लगाई जी उसका क्या जवाब मिला? क्या वो कार्य हो गया? आपका निवारण हो गया? उस समस्या का हल हो गया? जी बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने अभी सीएम विंडो पे लास्ट 16/7 को शिकायत लगाई थी, उसका समाधान उन्होंने ये दिया है कि वहां जोड़ का पानी, वो बरसाती पानी था, पानी नहीं भरा हुआ है, अब वहां सूखा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ सीएम विंडो के अधिकारियों ने सिर्फ झूठ बोला है। वहां पर ये पानी जो जो आपने 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 जो हमें तस्वीर भेजी है ये कब की है जी उस गंदे पानी की? ये जी कैमरे परसों की है कैमरे को नहीं लाए, मोबाइल को नहीं लाए आप प्लीज। जी, ये सिर्फ परसों की तस्वीर है आपके पास लाइव भेजी हुई। आप कहें तो मैं आपको अभी लाइव रात की भेज सकता हूं, क्योंकि पानी कोई भी अधिकारी आए या मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो जो प्रशासन कहे मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूं, क्योंकि तो मुझे तो पता पानी है ना, पानी 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 अभी भी भरा पड़ा है, ज्यों का त्यों यूं ही भरा हुआ है, पूरे गांव वाले और बहुत समस्या ज्यादा का परेशान दिखा दिया गया कि समस्या का हल कर दिया। जी। सीएम विंडो पे यही दिखाया गया है कि वहां पानी नहीं है मौके पर, लेकिन कोई यहाँ अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, जो आया सिर्फ आश्वासन देके गया, उसके अलावा कोई समाधान नहीं हुआ। अपने आप ही अधिकारियों ने जो समस्या को क्लोज कर दिया और मैसेज दे दिया सीएम को, जी समस्या का हमने समाधान कर दिया है। जी बिल्कुल यही बात हो रही है। आज नहीं, 2017 से मैं इसकी शिकायत कम से कम 7 बार कर चुका हूं, लेकिन समाधान के नाम पर सिर्फ शून्य हुआ है। इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ यही कर जाता हूं ठीक है। अच्छा, न्यूज के दर्शक जो देख रहे हैं वो स्वयं जी। अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग किस तरीके से परेशान हैं। छोटे
छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के सरकार दावे करती है चुनाव के वक्त कि उनकी तमाम समस्याओं का हल किया जाएगा, और ये समस्याओं का हल कैसे होता है ये आज एक वानगी हम दिखा रहे हैं गोकलपुर गांव से। आपको बताएं, आज देखिए सोचने वाली बात है, 4 साल का समय हो गया, 7 बार शिकायतें हो रही और किस तरीके से अधिकारी करते हैं। नवीन जी, क्या जी समस्या का हल हुआ है? अभी धक्का था सर, और अधिकारियों ने वैसे खाने पूर्ति कर दी। मोहनलाल जी, पहले मैं नमस्कार करता हूँ आपके दर्शकों को। जैसे कि बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल 2016 से शिकायत लगातार विंडो पे दे रहे हैं, लिखित में हम एसडीएम साहब को मिल चुके हैं। 2016-17 में जब हमने शिकायत दी थी, उस वक्त एसडीएम साहब को मौके पे आए थे और उन्होंने एक प्रपोजल दिया था अलग से गांव से बाहर दूर पे झोड़ बनाने का। लेकिन आप देखा नहीं, 2017 से 16 से आप बता रहे हो, उसमें तो कई डीसी एसडीएम बदल लिए होंगे, क्या कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई? सरकार तो हो, ये माना पहले भी खट्टर साहब की सरकार थी, आज भी खट्टर जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और सरकार कह रही है विकास कार्य करवा रहे, तो क्या गांव में कोई विकास हुआ नहीं? कोई अधिकारी जाके जी अधिकारी आप जो उन्होंने विंडो हमने लास्ट टाइम दी थी वो भी उन्होंने करके बंद कर दी गई कि वहां पे वो बरसाती पानी भरा था और जो कि अब फिलहाल मौके पे नहीं है, और जबकि हकीकत ये है कि मौके पे पानी अब भी भरा हुआ है। अच्छा, वो तो हम तो मतलब सरकार में छवि बनाने के लिए अधिकारियों ने आपको बना दिया, यानी कि हमने मैसेज दे दिया मुख्यमंत्री महोदय को कि सीएम जो विंडो में शिकायत है इसके समाधान हम लोगों ने कर दिया है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये के ये सीएम विंडो पे ये लिख के दे दिया है कि वहां का बरसाती पानी था और जो अब पानी मौके पे नहीं है। बाकी एक सवाल ये है, हितेश जी आप आराम से बैठे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप मोबाइल को सही करें। हितेश जी जी बिल्कुल, नहीं नहीं आप नहीं बैठ रहे, इसके मतलब आपको मोबाइल से नहीं, वो थोड़ा हिल गया था जी, बताइए बात नहीं कर पाएंगे ना आप लोगों से, आप जैसे हिलेंगे हमारे फ्रेम वर्क गिर जाएंगे। जी जी बिल्कुल, बताइए जा रहा हूँ, इससे सिर्फ आपके थोड़े बहुत घरों को परेशानी है, पूरे गांव को परेशानी है। जी पूरे गांव को ही परेशानी है, उनके लिए भी परेशानी है। जो आदमी नौकरी पेशे के लिए जाता है, हमारे गांव का मेन वे रेलवे स्टेशन है वो कुंभावास है, तो अगर किसी को नौकरी जाना हो तो रेलवे स्टेशन पे जाएगा तो भी वो इसी रास्ते जाएगा। हमारे गांव की आबादी लगभग इसी तरफ है, खेत के लिए किसी को जाना है तो हमारे गांव के 90% खेत भी इसी तरफ है, तो यही मुख्य रास्ता है कि यहीं से होकर गुजरना पड़ता है सभी को। अच्छा, तो नहीं आपने जब सीएम विंडो से जब ये मैसेज आया आपका कि आपकी शिकायत को क्लोज कर दिया गया है, आपने दोबारा वो तस्वीर भेजी, देखिए आपके अधिकारी क्या कह रहे हैं, और सीएम साहब आप खुद देखिए ये चीज मैसेज आपने किया कन्वे, कब रिपोर्ट आई आपके पास? सर ये अभी 3-4 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट आते ही मैंने सबसे पहले आपको ही संपर्क किया था, क्योंकि अधिकारी को किसको संपर्क करें, जब हम देश के सीएम को संपर्क कर रहे हैं उन्होंने कि इनके अधिकारियों ने ये लिख के दिया है, तो उसके बाद तो हम सिर्फ पीएम के पास जा सकते हैं, और हम पीएम के पास भी गए हैं, पीएम के पास भी हमने लिखित में शिकायत दी है, मैंने आपको शिकायत नंबर भी दिया है, लेकिन वो भी अभी अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है, डीडीपीओ रेवाड़ी के अंदर ही दिखा रहा है, कम से कम 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 20 तारीख के बाद वो डीडीपीओ रेवाड़ी के अंदर ही दिखा रहा है, लेकिन अब तक हमारे कोई प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं स्वस्थ अभियान हम चला रहे हैं, किस तरीके का स्वस्थ अभियान है? जनता टैक्स दे रही है और बड़े बड़े प्रचार किए जाते हैं देश को स्वच्छ बनाया जाए। मुझे तो लगता है मोहनलाल जी सिर्फ ये कागजों में ही हो रहा है, मैदान पर सिर्फ शून्य है, आप आकर देख सकते हैं मैदान की, मैंने आपको लाइव तस्वीर दिखाई है, आप कल आना चाहे तो कल भी आ सकते हैं, जीरो ही मिलेगा आपको। नहीं, वो तो आपने तस्वीर, हरकेश जी क्या आपको भी परेशानी है, तमाम गांव को ही है क्या? जी बिल्कुल, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो परेशान होते हैं, खराब हो जाते हैं, खेतों में जाने के लिए लेडीज पानी लेने जाती है तो परेशान हो जाती है, मेन रास्ते पे बिल्कुल पानी भरा हुआ है। अच्छा, तो ये रोज का हालात है क्या यहाँ पे? जी बिल्कुल, रैली का हालात है, डेली का ही बना हुआ है। अरे भाई, मैं हरकेश जी गांव के पंच सरपंच से आपने बात की क्या? हरकेश जी का लगता है नेटवर्क, हरकेश जी गांव के जो पंच है सरपंच है, अब तो योजना भी बदल गई,
अब तो उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया, क्या भेदभाव की वजह से नहीं हो रहा, आपसे द्वेष की वजह से नहीं हो रहा है? मुझे क्या ही देते हैं कि अभी फंड की प्रॉब्लम है, जैसे फंड नहीं मिल रहा, हम यहाँ का प्लान कर रहे हैं, वहाँ का प्लान कर रहे हैं, अभी आश्वासन देते हैं, बाकी बाकी हम नहीं देते। ठीक है हितेश जी, आपने समस्या रखी जी, बड़ा चिंता का विषय है। सरकार कहती है स्वच्छता अभियान हम चला रहे हैं, मतलब लाखों करोड़ों रुपए स्वच्छता अभियान के नाम पे खर्च हो रहे हैं, और आप 2017 से जिस समस्या को लेके बैठे, कहीं ना कहीं जो हमारे एचआर न्यूज के दर्शक हैं वो देख के समझ सकते हैं कि आखिर ये विकास हो कैसा रहा। एक छोटी सी समस्या है कि आपका जोड़ खाली हो जाए या उसकी गंदगी छट जाए, ये पानी जो है जो मेन रोड पर गलियों में जो भरा, जो तस्वीरें आपने हमें भेजी है, ये कहीं ना कहीं बताती है कि इन तस्वीरों को देख करके कहीं भी ग्रामीणों को निकलने का रास्ता नहीं है, जैसा आपने बताया मेन रास्ता है। लेकिन मेरा सवाल ये होता है, गांव के बड़े बुजुर्ग जो है, पंच है, सरपंच है, या जो गांव की पंचायत है, वो इस पूरे मामले में क्या कहती है, कुछ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? देखिए मोहनलाल जी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो अपनी हर तरफ से कोशिश की है, मेरे युवा साथियों ने सभी ने मिलकर मेरा साथ भी दिया है, लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि उस जोड़ पर कुछ परिवारों का जबरदस्त कब्जा किया हुआ है, उनके खिलाफ लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं तो जागरूक होने के नाते कुछ बोल देता हूँ या मेरे युवा साथी बोल देते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिन पर जोड़ पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उन दोनों के पास ट्रैक्टर है। प्रशासन ही हटवाएगा ना, वो भी तो प्रशासन का काम है ना हटवाना। अब प्रशासन इस चीज में इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, पंचायत भी इंटरेस्ट नहीं लेती। हमने जोड़ावास गांव की दिखाई थी, वहां भी यही स्थिति, तालाब की हमने खबर दिखाई, किस तरीके से मंदिर वहां गिर गया, मंदिर की दीवार वहां गिर गई जी। नवीन जी, क्या गांव में कोई आप लोगों के साथ नहीं है कि पूरा गांव एक साथ आए और कम से कम उसको अवैध कब्जे को हटवाए, ताकि पानी की जो समस्या है आपके गांव की समस्या हल हो सके? जी हमने तो अपने लेवल पे खूब कोशिश की है, लेकिन क्या होता है, कुछ राजनीति की वजह से जो कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है वो ऊपर से प्रेशर आ जाता है। उनसे एक बार हमने कोशिश की थी 2016-17 में, उस टाइम झोड़ में मशीन भी चली थी, लेकिन वो कुछ मतलब कि जो जितना था कब्जा उतना छुड़ा नहीं पाए, क्योंकि राजनीति की वजह से अफसरों के ऊपर भी दबाव आता है। ऐसा ही हमारे गांव में यहाँ पे हुआ था, प्रशासन ने एक बार कोशिश की थी, वो ऊपर से दबाव राजनीति दबाव आया था, उस टाइम अफसर ने वो छोड़ दिया था। तो देखिए ये हमने आपको दिखाया हितेश जी, क्या लगता है आप लगातार प्रयास में लगे रहेंगे? आप सीएम विंडो से जो आपको समाचार मिला है या जो अधिकारियों ने कहा है कि इसका समाधान हो गया, इसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, हालांकि खबर भी कहीं ना कहीं जाएगी सोशल मीडिया के जरिए। आजकल जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी है, शर्मसार करने वाली स्थिति है कि बिना समस्या का समाधान हुए अधिकारी किस तरीके से कागजों में दिखा देते हैं कि हमने इस समस्या का समाधान कर दिया। आपको इससे कहीं ना कहीं, आप युवा है और प्रधानमंत्री जी बकायदा भाषण में कहते हैं युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं से देश बनता है, क्या आपको लगता है इस तरीके से देश बनेगा जिस तरीके से अधिकारी झूठ सच बोलते हैं, कागजों के अंदर किस तरीके से खाना पूर्ति करके दिखाते हैं? जी मेरा जहां तक विश्वास है, जब तक मैं जिंदा हूँ इस चीज के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा कि जो जायज काम है वो गाँव में, मोहल्ले में, सरकार में होना चाहिए। फिर भी मैंने पीएम मोदी से यही, उपायुक्त से यही रिक्वेस्ट की है, हमेशा करता रहूंगा कि आप भी शिकायत को संज्ञान में ले और खुद समाधान करें, ताकि आप मौके पर आके एक बार देखें तो सही कि लोगों को कितनी परेशानियां हो रही हैं। लेकिन उपायुक्त मौजूद है कि उनसे मिलने का वक्त भी नहीं है, हम तो आगे तो क्या करेंगे, आप बताइए। तो देखिए ये हमने आपको दिखाया कि गोकलपुर से किस तरीके से लोगों की समस्याओं को जो सीएम विंडो पे लगाई जाती है उसका हल किया जाता है, कागजों में खाना पूर्ति कर दी जाती है। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, खबर का मकसद ये है दिखाने का कि किस तरीके से बात समस्या की नहीं है, बात ये भी नहीं है कि गांव में पानी भरता है, गांव समस्या का सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से लोग जो शिकायतें करते हैं आखिर उनका हल होता है, अधिकारी किस तरीके से नाकारा हो चुके हैं, और किस तरीके से जो सीएम विंडो पे जो शिकायत लगाई गई है, ये सीएम साहब को भी देखना चाहिए कि जो सीएम विंडो पे शिकायत जो लगाई गई थी, क्या वास्तविकता के अंदर उसका हल हुआ है या नहीं हुआ। ये जागरूक नागरिक है जिन्होंने बकायदा संज्ञान भी ले लिया और सीएम विंडो पे एक बार फिर लगाएंगे इस तस्वीर के साथ कि देखिए किस तरीके से आपके जो सरकार के जिला प्रशासन के कर्मचारी हैं किस तरीके से झूठ बोलते हैं। ये खबर हमने आपको दिखाई, फैसला आपको करना है कि जो शिकायत आप करते हो, जिस तरीके की सरकारें
दावे करती है, वादे करती है, या जो हमारे स्थानीय नेता दावे और वादे करते हैं, उन दावे और वादों में कितनी सच्चाई है। सरकार कहती है अगर आपकी समस्या का हल नहीं हो रहा तो आप सीएम विंडो पे शिकायतें लगाइए। जब कोई सीएम विंडो पे इतनी बार शिकायतें लगाता है, 7-7 बार लगाने के बाद क्या उसका हसर होता है, ये हमने आपको बांध के दिखाई। आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पर। लगातार आप जो जागरूकता जो आपने दिखाई है, ये कहीं ना कहीं आपका सराहनीय कदम है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।